अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो ऑल आर फाइन। एंड टुडे आवर टॉपिक इज बेसिक ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। वी शैल नाउ कैरी आउट द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑन अलजेब्रिक फ्रैक्शंस बाय गिविंग सम एग्जांपल्स। वी अज्यूम दैट ऑल फ्रैक्शंस आर डिफाइंड। तो इसमें कह रहे हैं कि एडिशन, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन के जो ऑपरेशंस हैं वो हम कैरी करेंगे अलजेब्रिक फ्रैक्शंस में एग्जांपल्स को सॉल्व करते हुए। तो ये तमाम जो फ्रैक्शंस हैं वो हम डिफाइन करेंगे। द एग्जांपल वन इज सिंपलीफाई एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6। एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 1, 2, 3। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, ये हमने क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमने सिंप्लीफाई करना है और आगे हमें कंडीशन दी हुई है एक्स जो है 1, 2 और 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो सॉल्यूशन इज़ एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। तो ये हमने अब इसको फैक्टराइज किया है। यहाँ पे ये देखें, एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2 था, तो यहाँ पे हमने इसे फैक्टराइज करके लिख लिया है एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2। यहाँ पे भी एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 3 है, तो इसको हमने फैक्टराइज करके लिख लिया है एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6 है, तो इसको भी हमने फैक्टराइज करके लिख लिया है एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई, अब हमने इन दोनों टर्म में से x कॉमन ले लिया है तो अंदर आ जाएगा x माइनस 2, यहाँ से हमने माइनस 1 कॉमन लिया है तो अंदर आ जाएगा x माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई, यहाँ भी हमने x कॉमन लिया है तो अंदर आ गया x माइनस 3, माइनस 1 यहाँ से कॉमन लिया तो x माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय, यहाँ भी हमने फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन लिया तो हमारे पास रह गया x माइनस 3, यहाँ से हमने माइनस 2 कॉमन लिया तो हमारे पास रह गया x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 डिवाइड बाय। अब ये देखें, यहाँ पे x माइनस 2 दोनों में है तो ये हम कॉमन ले लेंगे x माइनस 2, तो यहाँ रह जाएगा x माइनस 1 प्लस x प्लस 2, यहाँ भी हमारे पास x माइनस 3 एंड x माइनस 3 कॉमन है तो ये हम कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास रह जाएगा x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई, ये देखें यहाँ पे एक्स माइनस 3 दोनों में आ रहा है तो ये हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास साथ रह जाएगा एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, अब हम इन सब का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास नीचे आ जाएगी टर्म एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 3। तो एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे हमारे पास नीचे देखें, यहाँ पे एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 1 है तो यहाँ पे हमारे पास एक्स माइनस 3 नहीं है तो ऊपर वाली टर्म जो है हमारे पास एक्स प्लस 3 है, उसके साथ आ जाएगा एक्स माइनस 3 प्लस यहाँ पे हमारे पास x माइनस 3 एंड x माइनस 1 है और x माइनस 2 नहीं है तो ऊपर वाली टर्म जो है हमारे पास x प्लस 2 है, उसके साथ आ जाएगा x माइनस 2 प्लस ये देखें x माइनस 3 एंड x माइनस 2 है यहाँ नीचे टर्म में और यहाँ पे x माइनस 1 नहीं है तो ऊपर वाली टर्म जो है हमारे पास x प्लस 1 है, उसके साथ आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्र माइनस 9 प्लस एक्स स्क्र माइनस 4 प्लस एक्स स्क्र माइनस 1। ये हमने इसको सिंप्लीफाई किया, मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये आ गया नीचे वही एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 3 तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र, ये हमारे पास हो गया 3x स्क्र। नेक्स्ट माइनस 9, माइनस 4 एंड माइनस 1, ये हमारे पास हो गया माइनस 14। तो ये हमने इस तरह लिख लिया 3x स्क्र माइनस 14 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 3। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर कुछ नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।